हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। इसमें देखेंगे आपके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनका इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। तो फोकस अपने पोर्शन पर बना कर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा। क्या है आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में क्या है आपको लेकर, सोचिए उनके बारे में। उनका नाम लेकर इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो आप। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं। इनके लिए 2 नंबर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को किसी बात को लेकर काफ़ी पछतावा हो रहा है, रिग्रेट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन ने भले ही आपसे कोई बात कहना है जो कि कह नहीं पा रहे हैं, पर हाँ कोई बात इनको समझ आ रही है अब कि इन्होंने क्या किया है या क्या आप दोनों के बीच हुआ है। ठीक है, सिचुएशन क्या है, जो सिचुएशन है इनका, जो हालात है आपके रिश्ते में आज जो बन गई है, वो आखिर क्या है और हुआ है तो किस वजह से हुआ है, रीज़न ये खुद को मान रहे हैं। किसी वजह को लेकर कुछ किया है, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, जिसका वजह खुद को मान रहे हैं, ब्लेम खुद को करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी बात का दोषी खुद को करार कर रहे हैं, ये यानी कि किसी बात को लेकर खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद पर गुस्सा करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी बात का रियलाइज़ हुआ है आपके पार्टनर को। अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे इनका एनर्जी यही दिखाई दे रहा है। ये करेंटली आपको वॉच कर रहे हैं दूर से, चांसेस है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। आपने कुछ कहा है अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो डिसीज़न लेकर आओ, हो सकता है कि आपने कुछ कहा है। ठीक है, कुछ तो कहा है जिसको दिल पर लगा बैठे हैं ये और उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं। कुछ कहा है आपने, फादर ने कहा है, फैमिली को लेकर, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कुछ ना कुछ हुआ है जिसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ करना भी है इनको, इनकी फीलिंग्स ऐसा है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, मेरे कंट्रोल में हो, जो सिचुएशन है कुछ करना है पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चांसेस है ये किसी और के कंट्रोल में है। ठीक है, जहाँ पर डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है इस पर्सन के लिए, आपको लेकर क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं मुझे क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स। आपके पार्टनर ना, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कभी काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक्शन लेने को सोच रहे हैं, साइलेंट है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ रूडली रफली बात कर रहे हैं, ट्रीट आपको कर रहे हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये सोच रहे हैं कि मिले आपसे, मिलकर कुछ कहे आपसे, या आपके साइड कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं जिसके बारे में सोचते विचारते मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर आपके पार्टनर, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये अपने एक्शंस को लेकर जो लेने वाले हैं अब उसको लेकर श्योर नहीं है कि उनको ये करना ही है या करना चाहिए, जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। आपके पार्टनर डाउटफुल एनर्जी के साथ मुझे कुछ करते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन कर सकते हैं या चांसेस है आपको कोई क्लैरिटी ना दे पाए। ठीक है, कहे कि हाँ हाँ हाँ, बट इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिलाए या आपको कन्विंस करने के लिए, आपको अपनी बातों में लाने के लिए, आपका विश्वास पाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए या आपकी लाइफ में आने के लिए कुछ कह सकते हैं जिससे आपका ट्रस्ट मिल सके या आप इनको एक्सेप्ट कर सको, आप दोनों क्लोज आ सको, उसके लिए कुछ झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे प्लेफुलनेस एनर्जी में दिखाई दिए हैं, प्लेफुल इनका एनर्जी है आपको लेकर, मैं इसे देख पा रही हूँ, सेक्सुअल अट्रैक्शन देख पा रही हूँ मैं इनके साइड से आपके लिए। मुझे कुछ लोग के लिए ये भी दिखाई दे रहा है, कोई दो दो पर्सन है इनके लाइफ में
या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर का ऐसा सोच है कि आपको नहीं छोड़ सकते, उधर का देखा जाएगा बट इधर अब आपके साथ कुछ करना होगा, आगे बढ़ानी होगी। यूँ ही स्टॉप करते हैं, डिले करते हैं, कम्युनिकेशन को रोकते हैं ज़्यादा दिनों तक, नो कॉन्टैक्ट में रहते हो, नो कॉन्टैक्ट गैप आप दोनों का होता है तो ये सही नहीं होगी। हो सकता है कि आप आगे बढ़ जाओ या आपके रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगे, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है बट हाँ, आपको एकदम से नहीं छोड़ सकते इधर, ठीक है। एक तो आप वो हो जो कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हो, इनको वो देते हो जो इनको चाहिए, इनको सेटिस्फाई करते हो हर तरह से, आपसे खुश रहते हैं। तो ये व्यक्ति आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि आपको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए, तो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, बाकी जो और सिचुएशन है या कोई दूसरी पार्टी है उधर देखा जाएगा। मुझे ये इनका सोच दिखाई दे रहा है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इनको कोई डिसीज़न लेना है तो डिले करेंगे। हो सकता है कि आपसे कुछ झूठ भी बोल दे कि मैंने डिसीज़न ले लिया है, बट ये डाउटफुल एनर्जी में रहे, ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन कर सकते हैं। कभी आप इनसे काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कभी ना खुश हो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनका जो एक्शंस है, बिहेवियर है, आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। कभी लवी डवी एनर्जी में हो आप दोनों, प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आपसे क्लोज आ रहे हैं, और कभी दूर जा रहे हैं, वो इनका जो एक्शंस है आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या है इनके पार्टनर के फीलिंग्स करेंटली, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में। ओके, तो कुछ लोग के लिए जरूर आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सबके लिए शॉकिंग भरा होगा, शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। किसी के लिए आसान नहीं होगा ये एक्सेप्ट कर पाना, इनका एक्शंस एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं होगी आपके लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ, आपके लिए ही कुछ कर रहे हैं जिसको देखकर लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे, ठीक है। इनके अपने कुछ अगेंस्ट होंगे, कुछ खिलाफ होंगे इनके, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको लोग देखेंगे और लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी को पीछे छोड़ रहे हैं या कोई रो रहा है। मुझे ना रोने वाली एनर्जी मिल रही है, कोई रो रहा है इनके इस एक्शंस से, ठीक है, क्योंकि ना मैं देख पा रही हूँ कि उनके ही वजह से, वो सिचुएशन के ही वजह से आपके पार्टनर रुके हुए थे, अब तक कुछ कर नहीं पा रहे थे, खुद को स्टॉप किया हुआ था, पर कर रहे हैं तो खैर काफ़ी सोच समझ कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सोच समझ कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन भी रख रहे हैं, या कई लोगों के बीच आगे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कोई रो रहा है, वो मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी रोए हो और अब आप रो रहे हो आगे, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मुझे आपकी एनर्जी में ये ज़रूर दिखाई दिया है कि अब आपका जो भरोसा है थोड़ा सा डगमगा गया है, अगर ये प्लेयर हैं या ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन करते हैं, या जो आपका एक्सपेक्टेशंस था उसको फुलफ़िल नहीं किया इन्होंने, जो चाहते थे वो नहीं किया, ये डिले कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच जिससे आपका जो भरोसा है डगमगा गया है, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो सकता है, या आप डिसअपॉइंट हो चुके हो इनसे, तो थोड़ा सा दूरी आप खुद बना सकते हो, ठीक है। अगर आप दोनों क्लोज़ हो, बात भी हो रही है, फिर भी मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हो, दिल खुलकर बात कर रहे हो, जो प्यार है आप में, जो इमोशंस है इन पर लुटा रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ।
मैं ना ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके साइड से थोड़ा सा दूरी है, थोड़ा सा दूरी आप अपने साइड से बना रहे हो जो कि आपके पार्टनर देखेंगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी देखकर फील करके आपके पार्टनर इस सोच में ज़रूर जाएंगे कि जो मैंने किया है या कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्या ये खुश नहीं है मुझसे, मैंने इसके लिए औरों से बिल्कुल बैर ले लिया है, यानी कि उनसे उनको नाखुश कर दिया है, कितना मुश्किल सिचुएशन मैंने ला दिया है ये करके, ये एक्शन लेकर। पर पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे खुश नहीं है, ये चेंज हो गई है या हो गए हैं, इनके साइड से कुछ मिसिंग है। जो प्यार मिलता था, जो पहले केयर मिलता था, जो आप पहले देते थे, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगी, ठीक है। इसके पीछे आपका खुद का अपना कारण हो सकता है, वजह हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लवी डवी वाले एनर्जी में नहीं हो या प्यार नहीं लुटा रहे हो इन पर, तो आपके पार्टनर ये महसूस करेंगे। बट हाँ, हील करने की कोशिश करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, आपके क्लोज आने की कोशिश करेंगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। तो ऐसा मुझे इनका एनर्जी दिखाई दिया है। और आपके साथ साथ जो और सिचुएशन है वहाँ पर भी हील करने की कोशिश करेंगे, अपना रिश्ता सही करने की कोशिश करेंगे, और आपको भी एक्सेप्ट करें या आपको पसंद करें, आपको लाइक करें, आपको हेट ना करें, इनकी पूरी कोशिश होगी। क्योंकि कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग अगेंस्ट हैं या आपको नापसंद करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ इनको मालूम है, इनको पता है। तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि उनके साथ कनेक्शन, रिश्ता सही रहे, ठीक है, आपके साथ सही हो जाए।